इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है ना, जो बहुत सारे बच्चे परेशान है कहीं ना कहीं एडमिशंस को लेके, एडमिशन कर चुके हैं किसी प्राइवेट कॉलेजेस में या किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अब ये चाहते हैं कराना अपना एडमिशन कैंसिल, और इनसे कैंसिल एडमिशन हो नहीं रहा है या फिर कॉलेज वाले इनको परेशान कर रहे हैं एडमिशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है आपके दोस्त के साथ या आपके किसी एक कोई पहचान वाले के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप उसको भी ये वीडियो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर सजेस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो पूरा जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके यहाँ की प्रोसेस के एडमिशन कैंसिल कैसे करना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम डीटी काउंसलिंग का। मध्य प्रदेश के जितने भी यहाँ पर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी को छोड़ के जितने भी कॉलेजेस हैं, ये डीटी काउंसलिंग से जिन जिन का भी एडमिशन होता है, इसकी अगर आप टर्म एंड कंडीशंस पे पढ़ेंगे, आप रूल बुक पे जाएंगे और वहाँ पर कैंसिलेशन की पॉलिसी भी पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इवन अगर आप किसी भी कॉलेज को कैंसिल कराना चाहो आफ्टर एडमिशन, अगर आपने किसी कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया उसके बाद आप कैंसिल कराना चाहो, तो आप कैंसिल करा सकते हो, और 10% आपकी जो भी फीस होगी या आपने जो भी अमाउंट जो सबमिट किया है, आप उसका 10% डिडक्ट होके बाकी आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अब होता क्या है उल्टा, देखिए, क्योंकि बच्चों को नियम पता नहीं होते, रूल रेगुलेशन पता नहीं होती, तो अब कॉलेज वाले इसके फायदा उठाते हैं, और कॉलेज वाला ये बोलता है कि अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है, तो कहीं ना कहीं वो आनाकानी करते हैं, एडमिशन कैंसिल नहीं करते हैं, रुलाते हैं, परेशान करते हैं, या फिर बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर की पूरी फीस देनी पड़ेगी, सेकंड ईयर की। अगर आपने फर्स्ट ईयर की पूरी फीस दे भी दी, राइट, फिर से सुनिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर की पूरी फीस भी दे दी, इसके बाद भी आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो और उनको करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उनसे मांगना है कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप दीजिए। अब रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है, पहले तो आप उनसे ये मांगिएगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप दीजिए, ठीक है। अगर आपने मेरा एडमिशन कर दिया है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने चॉइस फिलिंग मेरी की होगी या एक अलॉटमेंट लेटर आया होगा मेरा किसी कॉलेज में, एक रिपोर्टेड बता रहा होगा, राइट। डीटीई के थ्रू जितने भी 150 कॉलेज आते हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं रिपोर्टेड आ रहा होगा। अगर आपका रिपोर्टेड है, इसका मतलब आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। एडमिशन होने के बाद लीगली कॉलेज आपसे मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10% ले सकता है ऑफ फीस। चारों साल की फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक साल की फीस की बात कर रहा हूँ जो आपको सबमिट करना थी, सेमेस्टर वाइज या एयर वाइज जो भी, मैक्सिमम ये ले सकता है, राइट, मैक्सिमम ये ले सकता है। तो नॉर्म्स दी गई हैं, जाओ जाके पढ़ो, अगर नॉलेज होगी ना तो कोई भी कॉलेज आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, अगर नॉलेज नहीं होगी तो ये आपका समझ यही कि आपको परेशान कर डालेंगे। सो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मांगना है या फिर आपको उनसे अलॉटमेंट लेटर मांगना है, या फिर अगर वो भी दे देते तो आप फिर एक चीज ये तो हो सकती है कि वो अथोराइज हैं 10% फीस काटने के, लेकिन उसके बाद 10% फीस काटने के अगर आप रेडी हो कि ठीक है मेरी 10% फीस काट ली जाए, अब मेरा एडमिशन कैंसिल करिए, दुनिया की कोई ताकत आपका एडमिशन कैंसिल करने से मना नहीं कर सकती, राइट। और अगर कोई भी बोलता है तो आप मेरी वीडियो से बता सकते हो, उसको दिखा सकते हैं कि ये ऐसा बोलते हो, मेरा नाम ले सकते हो आप, राइट। सो जाओ डीटी की आप रूल बुक पढ़ो, उसमें सारी चीजें दी गई हैं, और उसके बाद भी अगर कॉलेज नहीं मानता है तो आपको करना क्या है, यहां पर नहीं कॉल करना है, आपको कॉल करना है, आपको सिर्फ उनको धमकी देना है कि ठीक है मैं CAM हेल्पलाइन कॉल कर रहा हूं, राइट, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो CAM हेल्पलाइन में आपको जल्दी से फटाफट नंबर दबा देना है कि आपको बताना है कि अपनी प्रॉब्लम, उसके बाद एक कॉल जहां जाएगा उन कॉलेजेस के पास, वो आपको बुलाकर खुद से ही सारी चीजें करेंगे, और उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर हम एक और नेक्स्ट वीडियो बताएंगे और आपको फिर उंगली टेढ़ी करके किस तरीके से एडमिशन कैंसिल कराना है वो भी हम बताएंगे। सो बने रहना है और शेयर करना इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बताते रहिए और इसी तरह से हमें देखते रहिए, स्टूडेंट खबरी को, रॉथर जेलिस आरजे खबरी को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।